आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ के मेरे बहादुर महापुरुषों, मजदूर सरदार, मुंशी एंसलरी और मुंशी भाइयों और बहनों, आपके जहन में एक महत्वपूर्ण सवाल बार बार उभरता है कि जब हमारा शिफ्टिंग होगा तो क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होगा अथवा सरकारीकरण होने के बाद होगा। ये सवाल मुझे फ़ोन के माध्यम से कई लोगों ने पूछा और इसका जवाब मैंने इस तरीके से दिया जिसे आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, परख लें, जांच लें और तैयार रहें लिंक कराने के बाद, रेडी रहें कि आने वाला कल का भविष्य हमारा उज्जवल होने जा रहा है। इसे ध्यान से सुनते हुए अपने मित्रों को भी शेयर करें और यह ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए और आप सूचना से परिपूर्ण रहें। सूचना ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अर्जित करते रहें और आने वाले कल के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार रहें। आइए मैं जो हमारे एक मित्र जो कि यूनियन में बहुत विद्वान लोग भी हैं, उन्होंने जो सवाल जवाब मेरे साथ किया उस ऑडियो को ध्यान से सुने, समझें और गेट रेडी टू बी लाइक अ विनर। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, आज लीडर से बात हो रहा था तो लीडर ने बोला कि जब लीज जमा होगा तो लीज जमा होने के बाद शिफ्टिंग लीज जब निकलेगा तो शिफ्टिंग लीज निकलने के बाद रेगुलराइज होगा ना, रेगुलराइज होके शिफ्टिंग लीज निकलेगा सर? रेगुलराइज होके ना शिफ्टिंग होगा, रेगुलराइज होके तो शिफ्टिंग होगा ना। वो बोल रहा था कि शिफ्टिंग लीज निकलेगा उसके बाद आप लोगों का रेगुलर होगा। हमसे ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि भारत सरकार तभी डेटा जमा लेगा जब कोई वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट हो चुका होगा, अप्रूव हो चुका है सबका, जिसका जिसका डाटा सबमिट हुआ वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएगा। हाँ वही, उसको मतलब वो तो नौकरी वोकरी नहीं किया है ना, और ऊपर से मेरे को थोड़ा नॉलेज है इस चीज का, तो मैंने बोला कि जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर का डाटा लेता है तो वो जिस सेक्टर का लेगा वो सेक्टर पहले गवर्नमेंट होना पड़ेगा। अगर सेक्टर गवर्नमेंट नहीं होगा तो वो डाटा लेके उधर पे क्या करेगा? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट का एक तो मास्टर रूल भी होता है सर, आपको तो पता है, आपको नॉलेज है इस सब चीज का, तो मास्टर रूल का तो कभी मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है ना। तो मास्टर रूल वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, उसका कभी मेरिट लिस्ट नहीं निकलता। मेरिट लिस्ट किसका निकलता है? जो सेक्टर ऑलरेडी गवर्नमेंट हो चुका है उसका ही ना मेरिट लिस्ट होता है। तो हम लोगों का वो लिस्ट जो है वो तो हम लोगों का एक्चुअली मेरिट लिस्ट ही है कि हाँ ये लोग इस डिपार्टमेंट के लिए, ये लोग ये पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, यही तो मतलब है ना सर? यही मतलब। हमने उसको बोला कि जब लिस्ट निकलेगा तो वो मतलब मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद रेगुलराइज नहीं होता है। उसके बाद आपको कौन बोला ये कि उसके बाद में रेगुलराइज होगा? उसके बाद कैसे रेगुलराइज होगा? ये जो निकलेगा ये रेगुलराइज होके ही निकलेगा, उसके बाद है ना ड्यूटी में भेजेगा। मेरे को था ये सब नॉलेज, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं एक बार सर से बात कर लेता हूँ क्योंकि ये सब नॉलेजेबल चीज आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो मैं सोचा कि नहीं मैं आज एक सर से एक बार बात कर लेता हूँ क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसको ये सब चीज उनको समझ में आएगा। मैंने बोला लीडर को ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर रिलीज लिखने का रेगुलर होके निकलने के बाद रेगुलर कैसे होता है? वो तो लिस्ट तो सबमिट करेगा, नवम्बर के अंदर ही लिस्ट सबमिट कर देगा, उसके बाद तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनोरंजन सर डेटा सबमिट कर देंगे। आशा करता हूँ रेल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेंट्रल को तो सर ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके इसके ऊपर काम करने में, ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। हाँ गवर्नमेंट का तो, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो बहुत जल्दी काम कर सकता है, समय तो हम लोगों के यहाँ से लग रहा है, वहां से अगर यहाँ से समय नहीं लगता था कब का हो जाता। हमको वही बोल रहा था कि लिस्ट निकलने के बाद, हमसे नहीं नहीं लिस्ट निकलने के बाद रेगुलर नहीं होता, रेगुलर होके लिस्ट निकलता है, उसके बाद लिस्ट निकलने के बाद डायरेक्टली आप जा सकते हैं अपना आपका कहाँ कहाँ पे ड्यूटी है। और सर लिस्ट क्या लीडर लोग मनोरंजन जी को सबमिट करेंगे ना सर? हाँ लिस्ट मनोरंजन जी के पास रहेगा, मनोरंजन जी सौंपेंगे वहाँ गवर्नमेंट को। अच्छा सर लिस्ट मनोरंजन जी रेलवे के देंगे ना सर मंत्रालय को? सर देखिए कॉपी दोनों तीनों जो जो विभाग में है काम सारे विभागों में जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय और रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम, तीनों में, और तीनों को ही जाएगा डेटा। उसके बाद से मतलब हम लोगों को दो तीन तरफ से फायदा मिलेगा सर्विस के बाद में। दो सेक्टर तो कंफर्म है, दो सेक्टर तो कंफर्म है, होम मिनिस्ट्री तो सभी मिनिस्ट्री का बाप होता है। हाँ थोड़ी छोटी तो जाएगा ही, वही होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा तो बाकी सबके पास वैसे भी जाएगा, जिसके पास जाना पड़ेगा।
मुझे ऐसे ही आप टाइम टाइम टू टाइम डाटा सबमिट कर दो, वो तो कर देगा, इतना भरोसा है और है भी वो ऐसा ही, वो सबमिट कर देगा वो। सबमिट कर देने के बाद हम बोला जब लिस्ट निकलेगा वो रेगुलर का होगा ही, ओके ही निकलेगा, क्योंकि हम लोगों का रेगुलर डीएलएस के थ्रू में होगा, तो डीएलएस तो ऑलरेडी रेगुलराइज हो, डीएलएस कानून है ना, रेगुलराइज कानून है, डीएलएस एक तो कानून, हम बोला उसको क्यों वो मतलब सर्विस सर्विस कभी किया नहीं है ना सर, उसको जो नहीं किया उसको कहाँ से नॉलेज होगा, एक ऑटो वाले को आप बोलोगे ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करो वो कहाँ से करेगा, तो बात वही है, तो वही वही अभी मेरे को बोलेगा कोई रॉकेट बनाने के लिए मैं कहाँ से बनाऊंगा, तो मेरे को ये सब चीज का नॉलेज है उसको नहीं है, तो हम बोला है कि आप ये जमा कर दो, उसके बाद जो भी लिस्ट निकलेगा, और यहाँ पे देखा है मैं सर अपर रैंक बोलिया या फिर कुछ अच्छा पोजीशन में है उस बंदे को भी कुछ नहीं पता नहीं होता है कैसा पोजीशन देखा है मुझे बैठा हुआ है तो मेरा बाबा में मतलब सर्विस में था तो वो होता है ना घर में जब ऑफिशियली कागज वागज लाता है वो देख देख के थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आप अगर किसी को अगर अच्छे पोजीशन में बिठा दो तो उसको अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना वो जॉब दे नहीं सकता है, तो आप इसे बिठा दे क्यों हटाओ, ये तो एक तो मतलब एक क्वेश्चन तो करेगा ही ना सर, जिसका जैसा नॉलेज है वो वैसा क्वेश्चन नहीं करेगा, जैसा आपको किया आपको नॉलेज आप जवाब दे दिया, आपको बिठाना चाहिए था उस जगह पे, फटक से काम हो जाता सर लोगों का, आपको अच्छा पदाधिकारी बना देना चाहिए था, जोनल वोनल टाइप का सर कुछ आपको बना देना चाहिए था, कसम से सब लोगों का यू हो जाता, आपको नहीं बिठाया क्योंकि जो जिसका नॉलेज है उसको उसी जगह पे बिठाना होता है, मैंने देखा यहाँ पे अगर किसी बंदे को आप अच्छा जगह पे बिठा दो तो उसको उस लाइन का कुछ नॉलेज होता ही नहीं है, पकड़ नहीं होता, पकड़ नहीं है वो आदमी को, आप साइंटिस्ट बनिए। अभी मेरे को ना समझ में आया जो आप बोल रहे थे यहाँ पे आईएएस पदाधिकारी जैसे लोग बैठाना चाहिए, अभी मेरे को समझ में आ रहा था आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, कि हाँ एक्चुअली आप सही बोल रहे थे कि उस जगह पे ऐसा लोगों को बैठाना चाहिए, होंगे तब ना हमारे इतने बड़े को गलत सही को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेगा, वही वही अभी मेरे को मतलब उस बात को समझ आ रहा है कि आज अक्सर ऐसा क्यों बोल रहे थे, तब समझ में नहीं आया था मेरे को कि हाँ ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ऐसा चाहिए वैसा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए उस जगह पे, तो अभी समझ में आ रहा है कि हाँ क्यों चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ पे बिठाया गया है एक अच्छा पदाधिकारी बोलिए कुछ भी बोलिए अच्छा पोजिशन में, तो आप उस चीज को आप बोल ही नहीं सकते तो कैसे चलेगा, हम लोग क्वेश्चन तो करेगा ना, अभी हमको अगर बोलना पड़े लीडर को कि ऐसा ऐसा सिस्टम है तो कैसे होगा, हंसी भी आता है और मतलब शॉकिंग भी लगता है कभी कभी, काम बोला है कि आप एक काम करो आप अपना लिस्ट सबमिट करो और लिस्ट निकलने के बाद आप देखना वो रेगुलर होके निकलेगा, वो लिस्ट निकलने के बाद रेगुलराइज नहीं होता है, पागलों जैसी बात आप मत करो, रेगुलराइज होकर ही लिस्ट निकलेगा, निकलेगा लिस्ट निकलने के बाद कभी रेगुलराइज नहीं होता, और शिफ्टिंग और ज्वाइनिंग अलग अलग चीज नहीं है, तो दोनों सेम चीज ही है, ज्वाइनिंग है ज्वाइनिंग हो चुका है, अभी जो शिफ्टिंग लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से आप जाके ड्यूटी करोगे, तो वो ड्यूटी ज्वाइनिंग हो गया, मतलब आपका ड्यूटी आप जाना चालू कर दिए, आपका सैलरी वैलरी जो कुछ भी है वो सब निकलना मतलब चालू होना चालू हो जाएगा, बोला है कि रेगुलराइज होने के बाद आपका रेगुलर होने के बाद नहीं रेगुलर होके निकले निकलता है, निकलने के बाद सरकार के पास जब जाता जाता है तो चार पांच टेबल से होकर आपके पास कागज आता है, कोई भी कागज आईडी कार्ड आएगा कुछ भी एनीथिंग, आपका पेंशन बोलो, पेंशन अगर दिया है तो पेंशन बोलो, आपका सैलरी पे स्केल बोलो, आपका मेडिकल बोलो, आपका पास बोलो, ये वो सब कुछ पीए डीए सब कुछ होके उसके बाद आपके पास आता है, ये एक सिस्टम है स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सिस्टम यही बोलता है और इसी तरह से चल के आ रहा है, तो बोला है कि कुछ नहीं बोलता है, हम समझ गया है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, हम बोला कि आप ऊपर में जाके पूछोगे सर, जाते हो चुपचाप बैठे रहते हो बोलता है हूं करके आ जाते हो, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता, आप पूछो ना कि सर ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा ऐसा है क्या, पूछो हूं करने से कैसा होगा, आप यहाँ पे क्या ऐसा खुद का ज्यादा सोचता है और दूसरों का प्रॉब्लम कम समझता है, दिक्कत ये है यहाँ पे, खुद का ज्यादा सोच रहा है दूसरों का प्रॉब्लम को इतना मतलब गंभीरता से नहीं ले रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है दूसरा का प्रॉब्लम को, लेकिन अपना पूरा सोच रहा है कि अगर मैं इस हिसाब से काम करता रहूंगा तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, लेकिन ये ऐसा सिस्टम नहीं है ना, हर चीज कहीं ना कहीं पे जाके एंड होता है, युग के युग खत्म हो गया तो ये क्या चीज,
क्या बोलूँ सर, एक वीडियो सीडियो बना के ये सब चीज का दीजिए नॉलेज वॉलेज लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता, शायद इसका भी बेवकूफी का भी शिकार हो सकता है। हाँ तो ये सब चीज के ऊपर एक तो वीडियो वीडियो बना के, क्योंकि आपका वीडियो सब देखता है, बिलीव करता है, आपके पास सबसे मेन पॉइंट है कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, और जिसका नॉलेज है उसका बात उसी हिसाब से निकलता है, ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अरे यार ये तो कभी किसी ने नहीं बोला। आप सही चीज को इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ ये तो सच बोला है। के बाद ये आपको मतलब रिक्वेस्ट है, आप एक टू ऐसा वीडियो बना के कि रेगुलराइज शिफ्टिंग और किस तरह से होगा, शिफ्टिंग क्या चीज है, रेगुलर लिस्ट निकलने के बाद रेगुलर होता है या नहीं, या फिर शिफ्टिंग लिस्ट निकलने के बाद कॉन्ट्रेक्टर के अंदर जाएगा, उसके बाद रेगुलर होने के बाद वहां से हट जाएगा, ये भी बात सुनने को मिलता है सर। हाँ ये भी बात सुनने को मिलता है ना, ये सब तो आपको पता है, मेरे को पता है, सबको नहीं पता है। बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रेनुअल को अगर लिंक समझ रहा है तो आप ये सब बात करो छोड़िए। तो ये सब चीज के ऊपर आप एक तो वीडियो बनाइए, एक तो थोड़ा लंबा चौड़ा करके, ताकि लोग समझ जाए कि शिफ्टिंग के बाद, शिफ्टिंग लिस्ट निकलने के बाद रेगुलराइज नहीं होता है, रेगुलर होने के बाद शिफ्टिंग लिस्ट निकलता है, उसके बाद गवर्नमेंट कैसे होता है, शिफ्टिंग क्या चीज है, ड्यूटी में कैसे जाना है, लिंक कैसे चेक कर सकता है, नीचे में क्या लिखा रहेगा, ऊपर पोर्शन में क्या लिखा रहेगा, फोटो को आप ब्लर कर दीजिए, बाकी का पूरा नीचे का पोर्शन अगर पहले भी दिखाए होंगे शायद तो कोई नहीं दिखा, तब शायद लिंक उनका इतना प्रेशराइज नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो चुका है लिंक का, तो आप लोग ठीक से देखेंगे वो चीज कि हाँ ऐसा ऐसा है। और बहुत लोग शायद बोल भी रहा है कि शिफ्टिंग लिस्ट निकलने के बाद रेगुलराइज होगा, ये सब नहीं होता इधर, ये सब अगर होता तो आपका इलेक्शन से पहले ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा, इलेक्शन से पहले ये काम इम्पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि डाटा सबमिट हो गया है मतलब कुछ ना कुछ तो उधर हुआ है, डाटा सबमिट हो रहा है मतलब कि हम लोगों को रेगुलर करने के लिए डाटा सबमिट हो रहा है, तो मतलब उधर के कॉन्ट्रैक्टर लोगों का पता कट गया है, लेकिन कुछ लोग हैं उन लोगों को फिर से लाना चाहते हैं। अब इस चीज के ऊपर आप अगर एक तो वीडियो बना के देंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इवैल्यूएशन वीडियो बना देता हूं। हाँ, आप इस चीज के ऊपर क्या शिफ्टिंग क्या है, लिस्ट निकलने के बाद पहले ज्वाइनिंग कैसा, किस प्रोसेस से ज्वाइनिंग, कैसे कैसे सिस्टम में ज्वाइनिंग, इसके ऊपर आप थोड़ा सा 20-25 मिनट का अगर वीडियो बना देंगे तो लोग जितना से ज्यादा कम शॉर्ट करके, क्योंकि अच्छा चीज लोगों को देखने में ज्यादा मजा नहीं आता है असल, उसको शॉर्ट करना ऐसा ही चल रहा है, तो आप उसके ऊपर एक तो वीडियो बना के दे देने से ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, एक तो दीजिएगा वीडियो सर, हम वेटिंग। ओके सर, थैंक यू, रखता हूँ सर। Satan shows how powerful he is, but at the name of Jesus, even he bows down. Every demon bows down. Every demonic being bows down. Because there is great power in the name of Jesus. Are you battling a sickness? Does it have a fancy name? Marcolo Polo? Whatever, the name of Jesus is above the name of that sickness. Is it an incurable disorder? The name of Jesus is above every name of every medical condition. ये भाई जरा देख के चलो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, और पूरे भारत में रेलवे में क्या हो रहा है इसकी सूचना सबों को दो, और मजा लेने के लिए कहो। ऐसे ही हमारा देश 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को जब हम झंडे फहराएंगे तो गुलामों के साथ डांस करेंगे, एक साथ मदिरा पी कर डांस करेंगे। हे भाई जरा देख के चलो, सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो, और इसी तरह फन लेते रहो। हमारा देश बहुत आगे निकल रहा है, 1998 से हमारा BRMGS लड़ रहा है, रेलवे में गुलामों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह हमारे देश में गुलामी लोग बढ़ते रहेंगे। ए भाई सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, और सबको मजा लेने के लिए बाध्य भी करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।